वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर तक रसाई नहीं दे रहा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया है। चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की जरूरत है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी रोके। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने दिन रात ब्रॉडशीट का नाम लिया, आज इसका ड्रॉप सीन हो गया। कावा मुसवी बिलाखिर सच्ची बात जबान पर ले आए, बड़ा दिल करके नवाज शरीफ से माफी मांग ली। मुशरफ और नैब न्याजी गठजोड़ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 20 साल की इंक्वायरी में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। कौम ये कहने पर मजबूर है कि नवाज शरीफ ही इस कौम का मसीहा है। सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी अब उसके साथ नहीं रहे। इत्तेहादियों को बाज़ाब्ता ऐलान करने में एक आध दिन लग जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फजलुर रहमान की राय को अहमियत देते हैं। 15 साल में दीवार से चुन दिया गया है। इस हुकूमत से हमें तवक्को थी कि वो हमें हुकूमत में रहने का जवाब तो रहने देते। कुल जमाते हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा कश्मीरियों की जद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। भारत के जबरी कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद पाकिस्तान के साथ इलाक तक जारी रहेगी।